कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे बोतल में पानी भर रहे हैं, तो पानी भर के उसको अपनी जगह पर रख देते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। पानी तो भर लिए हैं, अब चलिए सब्जी काट लेते हैं। तो सब्जी में आज क्या क्या काटेंगे, चलिए देखते हैं। सब्जी कट गया है, सारा सब्जी काट लिए हैं। ये आम है, ये आम का मीठा चटनी बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह बनाएंगे ये वाला। और ये है बीट, जिसको चुकंदर बोला जाता है, इसको चावल के साथ फ्राई करेंगे। और ये आम का चटनी बनाएंगे। और ये करेला भाजी बनाएंगे। और इधर मेरा डब्बा भी सूख गया है, चलिए डब्बा रख लेते हैं अपनी जगह पे। पूरा सूख गया है मेरा डब्बा। अरे अरे अरे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। किचन में आ गए हैं, चलिए सब्जी बना लेते हैं झटपट से। चलिए यहाँ पे आम का चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे गरम कर लिए हैं तेल को, थोड़ा सा इसमें राई डाले हैं, इसके बाद हल्दी डाले हैं, एक मिर्चाई डाले हैं। अब इसमें आम डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा फ्राई करके इसमें पानी डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा काम कर लेते हैं। जो बर्तन धो के रखे थे सुबह में, वो अपनी जगह पे सेट करके रख देते हैं। जहाँ पे जो था, जहाँ पे थाली था, जहाँ पे गिलास था, जहाँ पे कप रहता है, वो सब सेट कर लेते हैं। और इधर खाना पक रहा है। Okay, okay, okay.
लीजिए मेरा सब्जी यहाँ पे बन गया है, उधर भाजी भी बन गया है, आम का चटनी भी बन गया है और अभी बाकी है चावल बनाना। अभी चलिए चावल बना लेते हैं। पानी गर्म हो गया है, इसमें चावल डाल देते हैं धो के। फिर 10 मिनट बाद जब ये उबाल आएगा उसको ढक के रख देना है। फिर चेक करेंगे कि चावल कहाँ तक हुआ है, फिर एक बार गैस को ऑन कर देना है, फिर इसका पानी निकाल लेना है। बन गया आपका चावल, कितना इजी है बनाना। इसमें उबाल आ गया है, बस अब इंडक्शन ऑफ करके इसका पानी निकाल लेंगे। कच्चा आम को कद्दूकस कर लिए हैं, अब इसमें नींबू पत्ता डालेंगे और दो हरा मिर्चाई डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, मतलब ज्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा चीनी डालेंगे। थोड़ा सा चीनी डालने से नहीं होगा, नमक थोड़ा सा डालेंगे, चीनी ज्यादा डालेंगे, इसमें मीठा मीठा होगा, खट्टा मीठा। देखिए चीनी, क्योंकि आम तो बहुत खट्टा होता है इसलिए मीठा ज्यादा लगेगा इसमें। आप लोग जैसा मीठा खाना पसंद करेंगे, और मिर्चाई जो है इसको तोड़ लेंगे ऐसा करके, इससे बहुत पानी निकलेगा, बहुत अच्छा लगता है। और इसको जो है नींबू पत्ता को भी इस तरह से घिस लेंगे। नींबू पत्ता खाना नहीं है, नींबू पत्ता स्मेल के लिए होता है, ताकि इसका महक अच्छा आए, उसे फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप मिर्चाई आम ये खा सकते हैं। हम ज्यादा मीठा पसंद करते हैं इसलिए ज्यादा मीठा डाले हैं। आप लोग को अगर मीठा से प्रॉब्लम है तो कम डालिएगा थोड़ा सा। दो घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, कि देखिए खाने में इसका कलर चेंज हो जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो आम का सीजन है, आप इस तरह करके एक बार खा के देखिए। चीनी ज्यादा डालिएगा, नमक थोड़ा डालिएगा, मिर्चाई और नींबू का पत्ता। नींबू का पत्ता से स्मेल अच्छा आता है इसलिए हम बोले इस। और अगर नींबू का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बनेगा, हम इसको बाद में खाएंगे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।